दोस्तों, अभी जल्दी आपने सुना होगा, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड जो है, जिसे DSSSB भी कहते हैं, उसमें कुछ वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ था और नोटिस निकला था करीब 2 महीने पहले, और ये वैकेंसीज अब लॉन्च हो चुकी हैं। आपको शायद नहीं मालूम, तो मेरे इस वीडियो में इस वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा लास्ट तक, और लास्ट तक देखने के बाद में अप्लाई कर लीजिएगा। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, कौन सी वैकेंसीज हैं और क्या योग्यता चाहिए, और एज लिमिट कहाँ तक है, और दोस्तों आपको कौन सी बुक लिखित परीक्षा के लिए तैयार करनी है, ये भी मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने असिस्टेंट प्राइमरी टीचर्स के लिए आवेदन मांगे हैं, और ये सभी नियुक्तियाँ दिल्ली के विभिन्न सरकारी स्कूलों में की जाएंगी, और ये जो वैकेंसीज हैं ये प्रक्रिया पूरी जनवरी में लागू है, और जनवरी में ही इसका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको योग्यता क्या होनी चाहिए वो ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके पास में न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा आपने पास की हुई हो, और एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपके पास में ये योग्यता नहीं है तो दोस्तों, आपके पास में 12वीं की परीक्षा पास की हुई हो और एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो। अगर 2 वर्षीय डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में नहीं है तो आपके पास में स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, और अगर ये भी नहीं है तो अगर आप बैचलर हैं और एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास में है तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में CBSE द्वारा आयोजित CET CTET की परीक्षा आपने पास की हुई हो, जिसे CTET कहते हैं, अगर वो परीक्षा आपने पास की हुई है तो आप इसमें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये पद अनारक्षित SC ST सभी वर्गों के लिए निकले हुए हैं, और इसमें महिला और दिव्यांग और भी अप्लाई कर सकते हैं। पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए अधिकतम आयु जो है वो 30 वर्ष है, और इसमें आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षण का लाभ भी मिल रहा है, जो केवल आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार इसमें छूट दी गई है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा दोस्तों, वो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, जिसमें सिलेक्शन का प्रोसेस है, और साथ ही साथ इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स का भी इसमें कुछ मार्क्स मिलेंगे। और तीसरी बात क्या है दोस्तों, कि आपके पास में कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि आज आपको पता है कि जो स्मार्ट क्लासेस से बच्चे पढ़ाए जाते हैं तो उसका भी इसमें कुछ वेटेज रखा गया है। जिन लोगों के पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, CCC का सर्टिफिकेट है, तो उन लोगों के लिए इसमें लाभ मिलेगा। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। दोस्तों, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको अपने पास में सारे डिजिटल सिग्नेचर और अपने डिजिटल फोटोग्राफ्स और अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैंड कॉपी अपने पास में रखनी है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको अप्लाई करने से पहले आपको ये सब चीज़ें डिटेल्स देने के बाद में आपको ये सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी। इसीलिए ये सारी चीज़ें अगर आपके पास पहले से होंगी तो आप बेहतर तरीके से अपने फॉर्म को टाइमिंग से भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरा वीडियो सरकारी नौकरी के बारे में, और भी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, वो भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग के और भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाले थे, वो शायद आपने मिस कर दिए हैं। और यदि आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो पहली बार मेरे चैनल पर हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलेंगे। आज मैंने UPPCL की कुछ वैकेंसीज निकाली थी, जिसमें BCOM या ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं बहुत आसानी से। सिलेक्शन प्रोसेस भी उनका रिटन टेस्ट और केवल एक फिजिक उसके स्टेनोग्राफी का टेस्ट है, या फिर अगर स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें केवल आपको कंप्यूटर टेस्ट देना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जो ना मेरे इस चैनल से काफ़ी लाभ मिलता है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ सरकारी नौकरी के और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैव ए नाइस डे दोस्तों, बाय बाय।